हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेडमी ए टू में अपनी जो जीमेल है किस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप जीमेल नहीं लगाएंगे तो आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो नहीं चल पाएगा, आपका जो प्ले स्टोर है नहीं चल पाएगा और ना ही आप उसमें यूट्यूब फेसबुक वगैरह चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको किस तरीके से अपनी जीमेल को डालना है, सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जिस तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर गूगल का। ये देखिए यहाँ पर गूगल वाला जो ऑप्शन है आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको गूगल जी मेल डालनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने पहले से ही यहाँ पर कोई जी मेल आई डी वगैरह डाली हुई है तो कोई बात नहीं, आपका जो गूगल फेसबुक वगैरह है यूट्यूब वगैरह है वो चले जाएगा। अगर दोस्तों आपने जी मेल वगैरह नहीं डाला हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एड अनदर अकाउंट पर आप क्लिक करके और अपनी जो जी मेल वगैरह है उसको डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पैटर्न मांग रहा है, जो मैंने पैटर्न लगाया हुआ है ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि अपनी जो जी मेल आई डी है उसको डालना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जीमेल यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी जीमेल वगैरह है, देन आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आपको दोस्तों पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे आप पासवर्ड डाल देंगे तो आपकी जो जीमेल है इस फोन में सेव हो जाएगी और देन आप यहाँ पर से जो अपना प्ले स्टोर वगैरह है वो भी चला सकते हैं और यूट्यूब फेसबुक वगैरह भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जीमेल डालना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।